अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आँखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। लगन और योग्यता एक साथ मिले तो निश्चित ही एक अद्वितीय रचना का जन्म होता है। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है, वह शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन को जीते जाते हैं। सलाह देने वाले लोग होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना सबसे बेहतर है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है, जो प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। दूसरों की शिनाखत में तो हर शख्स माहिर है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वह नहीं, लेकिन वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। विश्वास, विश्व में अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो वह अपने मन को जीतना। कुछ करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। छाता और दिमाग जब खुले हों तभी उचित प्रयोग में आते हैं, वरना फिजूल में बोझ बढ़ाते हैं। जिसने अपने मन को बस में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। दिमाग पैराशूट के समान है, वह तभी सही दिशा में कार्य करता है जबकि वह खुला हुआ हो। हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जिंदगी जीने का खास मकसद होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का एक अलग अंदाज होना चाहिए। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने खुश हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जिस पर तुम्हारा बस ना हो उसके लिए दुखी रहना बंद करो। अपने गम की नुमाइश ना कर, अपने नसीब की आजमाइश ना कर। जो तेरे हैं वो तेरे पास खुद आएंगे। हर रोज़ उन्हें पाने की ख्वाहिश ना कर। छू ले तू आसमान, जमी की तलाश ना कर। जीत ले तू जिंदगी की खुशी तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही ए दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तू तलाश ना कर। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। दूसरों की चीज़ों की ललचाई नज़रों से देखना अच्छी बात नहीं है। भाग्यशाली वह नहीं है होता जिसका भाग्य अच्छा हो, अपितु वह होता है जो अपने भाग से खुश हो। आनंद ही एक ऐसी वस्तु है जो आपके पास ना होकर भी दूसरों को बिना किसी असुविधा के दे सकते हैं। खुशियाँ उतनी ही अच्छी जितनी मुट्ठी में समा जाएं। छलकती बिखरती खुशियों को अक्सर जमाने की नज़र लग जाती है। गुलाब के फूल भी अजब कहानी है, जो प्यार की सबसे बड़ी प्यारी निशानी है। लाख कांटों के बीच वो हंसता रहता है, बस इसी अंदाज से तो दुनिया उसकी दीवानी है। खुशियाँ आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात की चिंता छोड़ो कि कौन तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, नफरत करता है, बल्कि चिंता उसकी करो जो तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि खुशियाँ आपकी वहीं पर हैं। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के लिए, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है तो हर हाल में खुश रहो। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में ना हो, पर किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे हमारे बस में है।